जो जिब्रान भाई हैं, जितनी मेहनत इन्होंने इस केस पे की है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कोई वकील किसी केस पे इतनी मेहनत करता हो। मेरे फादर इन लॉ भी लायर हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ भी लायर हैं, लेकिन मैंने यकीन करें ये जिब्रान नासिर साहब मुझे रात में 4 बजे भी फ़ोन करते थे, 5 बजे भी फ़ोन करते थे, और मैं सोचता था ये सोते नहीं हैं या किस टाइम पर सोते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर बेटी की दुआ है कि बाप हो तो मेहदी काज़मी जैसा हो। मेहदी भाई, पूरी कौम की तरफ से आपको सलूट पेश करती हूँ। जो आप तारीख रकम कर रहे हैं आज, एक सुनहरा बाप, एक सुनहरी तारीख, जिसमें आपका नाम जो है वो सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। मेहदी भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए मशाले राह हैं, निजात दहिंदा हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दो लाइनें कह दें, क्या कैफियत है आज आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। सर आइए आप इधर मेरे साथ। बिल्कुल, आप सबको रिपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करूँगा, आपने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की इस केस को लेके। और उसके बाद जो जिब्रान भाई हैं, जितनी मेहनत इन्होंने इस केस पे की है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी कोई वकील किसी केस पे इतनी मेहनत करता हो। मेरे फादर इन लॉ भी लायर हैं और मेरे ब्रदर इन लॉ भी लायर हैं, लेकिन मैंने यकीन करें ये जिब्रान नासिर साहब मुझे रात में 4 बजे भी फ़ोन करते थे, 5 बजे भी फ़ोन करते थे, और मैं सोचता था ये सोते नहीं हैं या किस टाइम पर सोते हैं। इन्होंने इस केस में जितनी मेहनत की है, मेरे पास लिटरली वर्ड्स नहीं हैं एक्सप्लेन करने के लिए, और अल्लाह पाक ने आज मेहनत का सिला भी दिया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आगे ट्रायल कोर्ट के अंदर जब ये केस प्रोसीड होगा तो उसमें भी हमें इसी तरह इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। जनाब मेहदी काज़मी साहब ने तो जो काम किया, फ़ख्रे पाकिस्तान जनाब जिब्रान नासिर साहब, ये वो सपूत है, ये वो बेटा है इस कौम का, पाकिस्तानी कौम को जितना फ़ख्र करें कम है कि जिब्रान नासिर साहब ने पहले भी बेशुमार बच्चियों की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, और आज फिर परवरदिगार आलम ने एक और इनसे ड्यूटी ली है और इतना बड़ा सेहरा इनके सर सजाया है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जिब्रान नासिर साहब, पूरी कौम की तरफ से इस बहन का आपको सलाम। लेकिन इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगा हमारी अदालतों का, इंसाफ या फैसले जो हैं अदालती करती हैं, फेयर हेयरिंग का मौका दिया गया, सुना गया, और जो भी इसमें मीडिया हाइप थी, मनफी मीडिया हाइप थी, उसको कतई नज़र रखते हुए अदालत ने मेरिट्स पे मामले सुने, और जो चलान सी क्लास में आ रहा था, अब उसी चलान के अंदर संगीन दफात शामिल हैं। जिस बच्ची को कहा दिया था कि जी वो एट लिबर्टी है, उसको आज शेल्टर होम में रखा है, उसको बच्चा तसव्वुर किया गया है, और जो मुल्ज़िम दंदनाते फिर रहे थे, आज वो सलाखों के पीछे होंगे।